अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का रिज़ व्लॉग्स के चैनल पे। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि मेरी छोटी सिस्टर घर पर आई हुई है, वो कुछ दिनों तक मेरे यहाँ रुकेंगी, तो इंशाल्लाह तो वो है मेरे यहाँ। तो मैं अब जा रही हूँ उसको लेकर यहाँ मीरा रोड में यहाँ के पार्क, क्योंकि क्या है कि आता है कोई हमारे इधर तो हमारा उसे घुमाना फिराना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो बस मैं उसे यहीं पर पार्क में लेके जा रही हूँ इंशाल्लाह। तो जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जब तक जिस लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बस अभी हमें ऑटो रिक्शा में कैमरे पे आवाज़ ही नहीं निकलती है मेरी, तो काफ़ी आवाज़ है। तो बस हम आ चुके हैं अभी सेवन वंडर पार्क, तो चलो अंदर चलते हैं। तो आप लोगों को पता है ना मैं पास ईद वाले दिन आई थी तो कितना रश था, और आज देखो इतना रश नहीं है यहाँ पर। तो चलो पहले यहाँ पर पर्स चेक करा ले। तो बस हम पार्क के अंदर आ चुके हैं और मेरी सिस्टर और उसकी बेटी आगे चल रहे हैं और मैं अपना वीडियो बनाते बनाते चल रही हूँ। ये पार्क ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है मेरे को, बहुत अच्छा है, डेकोरेट भी बहुत अच्छे से किया हुआ है ये पार्क। अब हम आ गए हैं सेवन वंडर के सेक्शन में। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ताजमहल बना है और कितना ब्यूटीफुल लाइटिंग से यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है। मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे से मतलब बैकग्राउंड काफ़ी वॉइस मतलब सॉन्ग्स के वॉइस आ रहे थे, तो मुझे फिर वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लेक है यहाँ पर, और ये आइलफील्ड टावर है यहाँ पर। तो मैंने पूरे सेवन वंडर तो आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि मेरे पहले के व्लॉग में मैंने पूरे सेवन वंडर के क्लिप्स ली हूँ। तो अभी बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं रसाद कुछ खाने के लिए, क्योंकि लग रही है हमें बहुत ज़ोरों से भूख है ना बहन। तो हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर भी है खाने की चीज़ें पर रसाद की चीज़ें मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलो फिर हम चलते हैं रसाद। यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर सेल्फी 360 सेल्फी पे वीडियो क्लिप ले रहे हैं। हमने इस 360 सेल्फी पे बहुत इन्जॉय की है, तो माशाल्लाह से मेरी बहन के आने के बाद मैंने बहुत इन्जॉय की उसके साथ और बहुत मज़ा भी आया पार्क में आके। उसके बाद हम यहाँ पर नाश्ता करने आ गए। हम जाने वाले थे रसास कुछ नाश्ता करने के लिए, पर मेरी सिस्टर बहुत थक गई थी तो उसने बोली कि चल हम यहीं पर नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने बोली कि ठीक है चल। तो फिर बस वो यहीं पर नाश्ते का ऑर्डर दे रही है और मैं उसकी वीडियो क्लिप बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारा नाश्ता भी आ चुका है, एक प्लेट सेव पूरी और एक प्लेट रगड़ा पेटीज। तो इसके बाद भी वो एक और ऑर्डर देने गई है, जो ऑर्डर मेरी भांजी के लिए आने वाला था, लेकिन हमारा जो ऑर्डर था वो आ चुका है और वाकई बहुत टेस्टी था सेव पूरी और रगड़ा पेटीज। तो सेव पूरी मैंने मंगाई थी अपने लिए और रगड़ा पेटीज मेरी छोटी सिस्टर ने अपने लिए मंगाई थी, जो वो बड़े मज़े से खा रही है। तो मेरी भांजी का जो ऑर्डर था टोस्ट सैंडविच, चीज़ टोस्ट सैंडविच, वो मतलब हम लोगों के काफ़ी देर बाद आया है इसका ऑर्डर, हम लोगों के खाने के काफ़ी देर बाद आया है। तो बस ही अब मेरी भांजी भी इंजॉय करेगी अपना ऑर्डर यहाँ पर सैंडविच का। उसके बाद हमने एक एक ग्लास लस्सी ऑर्डर किए हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। माशाल्लाह से मेरी बहन ने मुझे मेहंदी लगाई है, तो कौन भी उसने मतलब अपने यहाँ का ही लेकर आई है माशाल्लाह से। तो देख सकते हो आप लोग के काफ़ी अच्छी इसने डिज़ाइन निकाली है। तो पार्क से आने के बाद मैंने मतलब कि कोई क्लिप ही नहीं ली क्योंकि हम लोगों को लेट भी हो गया था और आने के बाद भी काफ़ी काम था। तो अब जाके हम फ्री हुए हैं, रात के बज रहे हैं 2, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने लाए हैं आज पिज़्ज़ा,
और बज रहे हैं यहाँ पर रात के 3। तो जैसे कि आज अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे, तो ये बहुत टेस्टी होता है और चीज़ी पिज़्ज़ा है। हम लोग ज़्यादा मतलब चीज़ पिज़्ज़ा ही खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड जब भी लाते हैं तो चीज़ पिज़्ज़ा ही लेकर आते हैं। तो मेरी बहन को बहुत भूख लगी है, क्योंकि क्या हम जागे है रहते हैं तो फिर भूख तो लगती ही है। तो मेहंदी कंप्लीट होने के बाद हम बातें करने लग गए और फिर मेरे हस्बैंड ने फिर पिज़्ज़ा भी ले आए। तो चलो फिर इसे फिनिश करते हैं। मैंने बोली थी मिलूंगी कल, फिर मिल गई मैं आपको 1 घंटे बाद ही वापस। अब पक्का मैं कल ही मिलूंगी आप लोगों को। तो अभी बना रही हूँ, ये दूसरा दिन है, तो अभी बना रही हूँ मैं भिंडी 2 प्याज़ा दोपहर के खाने के लिए। साथ रहेगा दाल राइस रोटी, और रात के लिए मैं करूँगी चिकन फ्राई। तो मैंने सुबह नाश्ते का क्लिप नहीं ली, क्योंकि क्या कि देर से आग खुलती है तो नाश्ता फिर फटाफट रेडी करना होता है। तो आज नाश्ते में मैंने बनाई थी पराठे। तो बस अब ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो बस हो गया अभी हमारे खाना खाने का टाइम, और अभी मैं इन लोगों को खाना परोस रही हूँ। जैसे कि मैंने बताई हूँ कि आज मैंने बनाई हूँ भिंडी 2 प्याज़ा, तो बस मैं इन्हें इन लोगों को वही निकाल के दे रही हूँ। तो दोपहर का लंच का टाइम हो गया है, तो आ गए आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी ही देर में। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर शांति मार्केट। मैं अपनी सिस्टर को लाई हूँ यहाँ पर सेल में। तो देखिए ये अपने घर के लिए शॉपिंग कर रही है। तो इंस्टाग्राम की वीडियोज़ में देखा करती थी कि मैं ये सेल में आती हूँ अक्सर, तो इसने बोली कि मुझे भी ले चल उस सेल में। तो मैं बोली ठीक है चलते हैं फिर। तो बस उसे यहीं पर लाई हूँ मैं। कुछ सामान पसंद आया? काफ़ी चीज़ें रहती है यहाँ पर, बच्चों के खिलौने वगैरह, मतलब हर चीज़ है रहती है यहाँ पर। पिछले आधे घंटे से हम खड़े हैं, मेरी बहन की शॉपिंग ही पूरी नहीं हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे लगता है ये ले रही है इतना सामान लेकर जाएंगी कैसे। ये देखो इसकी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है। कितनी देर लगेंगी और? हाँ कितनी देर लगेगी? आधा घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। क्या है वो? हाँ 1 लीटर का भी होएगा ना? पूरी लीटर का नहीं इसमें। तो जैसे कि मैंने बोली थी कि मैं रात के डिनर पे चिकन फ्राई करूँगी, तो अभी हो गया है डिनर का टाइम। तो बस मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, इतनी हो रही है और इतनी फ्राई कर चुकी हूँ मैं। तो बस अभी हम रात का डिनर करेंगे। तो ये देखिए मेरी बहन ने मेरे दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगाई है, और काफ़ी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन लगाई है। तो कल जिस हाथ में उसने मुझे मेहंदी लगाई थी वो है ये। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से। तो ये कोन का जो, ये जो कोन की मेहंदी है, ये भी उसके वहाँ की कोन है। तो माशाल्लाह से देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। और आज उसने दूसरे हाथ में लगाई है, क्योंकि मैंने सोची कि अब जब घर पे है वो तो दोनों हाथ को एक साथ लगा के दोनों हाथ अपने बिजी क्यों कर लूँ। तो इस वजह से मैंने एक दिन एक हाथ में लगाई, एक दिन एक हाथ में लगाई, इसी तरह से मेरे दोनों हाथ की मेहंदी कंप्लीट हुई। तो इसका कलर इंशाल्लाह कल आएगा, और इसी तरह से आएगा बल्कि इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये देखिए रात के 3:30 बजे हम खा रहे हैं आइसक्रीम वहाँ पर। मैंने तेरी आइसक्रीम बता अल्लाह ख़त्म भी कर दी इसने। बताओ मैं वीडियो बना उससे पहले ख़त्म भी कर दी इसने अपनी आइसक्रीम। ये देखिए हम लोग रात के 3:30 बजे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जागे रहते तो खाना पीना हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पर आज मैंने बनाई हूँ वाइट चिकन ग्रेवी, तो ये रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मतलब अच्छा आएगा। मैं डालूँगी बारीक कटा हरा धनिया, इसे भी करूँगी अच्छे से मिक्स। देख सकते हो कितना ज़बरदस्त बना है और बहुत टेस्टी भी बनता है ये वाइट चिकन ग्रेवी। गैस की फ्लेम को कर दूँ मैं ऑफ। तो बस अभी हमारा दोपहर का लंच का टाइम हो चुका है, इसे हम इंजॉय करेंगे तंदूर की रोटियों के साथ।
तो ये देखिए माशाल्लाह से फिराज एक पिज़्ज़ा आ चुका है और चिकन चीज़ पिज़्ज़ा आया है। तो आज मेरी सिस्टर जा रही है अपने घर, तो मेरे हस्बैंड बोले कि जाते जाते भी एक बार पिज़्ज़ा खा के चले जा। तो माशाल्लाह से देखिए मेरी बहन बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। हाँ इजाज़त है भाई, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। तो अभी बस थोड़ी देर में अभी निकलेंगी, हो गया है शाम का वक्त, खाओ बेटा। मेरी भांजी शर्मा रही है खाने के लिए। तो मेरी बहन को पिज़्ज़ा कैसा लगा बताओ भाई, पिज़्ज़ा कैसा लगा? मस्त है ना? हाँ, तो माशाल्लाह से 3 दिनों से मेरा ये व्लॉग कंटिन्यू है। अभी थोड़ी देर बाद मेरा व्लॉग एंड होने वाला है, पर अभी थोड़ा सी टाइम है तो पहले इन लोगों को सुकून। तो बस हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये देखिए मेरी सिस्टर जा रही है स्टेशन की तरफ, तो मैं भी आई हूँ उसे स्टेशन छोड़ने के लिए। तो बस अब देखते हैं फिर वो कब आएंगी हमारे घर। संभाल के जा, पहुँच के फ़ोन कर। हाँ, तो मेरी बहन तो जा चुकी है, ये देखिए ट्रेन भी आ गई है उसकी, तो चलो अब हम भी चलते हैं वापस। तो माशाल्लाह से मेरी बहन तो जा चुकी है और अब है मेरे भी व्लॉग को एंड करने का टाइम। तो अगर आज आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपनी अमान में रखे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।